एससीएसटी एक्ट संशोधन के खिलाफ छिड़ा आंदोलन अब उग्र होता दिख रहा है। गुरुवार को एससीएसटी एक्ट के विरोध में काला कानून विरोधी मोर्चा के कार्यकर्ता की रैली में शामिल लोगों ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय के सामने जमकर हंगामा किया। विरोध कर रहे लोगों ने बीजेपी कार्यालय में घुसने की कोशिश की, लेकिन वहां तैनात भारी पुलिस बल ने बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ दिया। इधर मंत्री रामपाल सिंह के बंगले पर नारेबाजी कर रहे ब्रह्म समाज के धर्मेंद्र शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार को 2 महीने का समय दिया है, ये काला कानून वापस लें। काला कानून विरोधी मोर्चा के बैनर तले सवर्णों के क्षत्रिय महासभा, कर्णी सेना, राजपूत समाज सहित कई संगठनों ने हबीबगंज नाका स्थित गणेश मंदिर से रैली के कारण भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। रैली हबीबगंज नाके से नारेबाजी करते हुए जैसे ही आगे बढ़ी, हबीबगंज स्टेशन के पास तैनात भारी पुलिस बल ने रोक लिया, जिस पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई। पुलिस ने लाठियों से कावेरी गेट बनाकर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। ये एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में सामान्य वर्ग, अनारक्षित वर्ग के समस्त लोग मिलके हम मुख्यमंत्री निवास को घेरने जा रहे हैं। सारी राजनीतिक पार्टियों ने जो सवर्णों के साथ, अनारक्षित वर्ग के साथ जो भेदभाव किया है, जो 22% को खुश करने के लिए 78% को जो नाराज किया है, इसके परिणाम आने वाले समय में राजनीतिक पार्टियों को भुगतने पड़ेंगे। जो इन लोगों ने हमें पिन करी है, पिन इनने हमें करी है, लेकिन हवा हम इन राजनीतिक पार्टियों की निकालेंगे और आने वाले समय में इनको हम जरूर बताएंगे कि आपने किन लोगों से पंगा लिया। चुनाव में हम विकल्प चुनेंगे, विकल्प। राज्य में एससीएसटी एक्ट संशोधन के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को लेकर राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने जैसे हालात पैदा हुए हैं। सरकार को समय रहते इस आंदोलन को रोकने के लिए कोई ना कोई बीच का रास्ता अपनाना होगा। वहीं इसका खामियाजा राजनीतिक दलों को आगामी चुनावों में भी भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में देखना होगा कि सरकारें क्या फैसला लेती हैं।